जहाँ मैंग्रोव जो होते हैं जो पर्यावरण के बहुत महत्वपूर्ण घटक होते हैं, वहाँ उन्होंने भर डाल के वहाँ फिलिंग करके वो वहाँ टावर बनाना चाहते थे, तो वहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में उन्होंने उनको बराबर से अच्छे से चपराक दी है। वैसे ही यहाँ धारावी में भी चल रहा है कि हम भी उनको अच्छे से चपराक देंगे, क्योंकि उनको पूरा मुंबई खाना है और पूरे मुंबई की जो महत्वपूर्ण ज़मीन है, जो पर्यावरण तज्ञ लोगों ने कहा है कि वो नॉन डेवलपिंग जोन है, वहाँ भी वो उनको डेवलप करना है। और जो कोळीवाड़ा का भी आप समस्या देखेंगे तो वो भी उन्होंने क्लस्टर डेवलपिंग के नाम पर पूरा कोळीवाड़ा भी हड़पना चाहते हैं, तो उनको पूरी मुंबई हड़पनी है, लेकिन वो होने नहीं देंगे। एक बात की जाए तो एक न एक संघर्ष शुरू हो चुका है, क्योंकि पहला जो है एक कंप्लेंट उनके द्वारा चालू हो गया है, क्योंकि पहले ही कहा गया था कि अडानी जो है हर जगह ज़मीन ले रहे हैं, तो ऐसी ज़मीनों पर लोगों का अगर विकास के बारे में अगर कहकर वहाँ पर शिफ्ट किया जाता तो कहीं ना कहीं वो उनके खिलाफ है, उनके लोगों के खिलाफ है, क्योंकि ये विकास तो लोगों का है ही नहीं। आप देखेंगे जो पूरा चल रहा है मसला वो लोगों के खिलाफ है, ये लोगों का विनाश मॉडल है, मुंबई का, धारावी का, सबका विनाश मॉडल है। यहाँ से मुलुंड में भेज रहे हैं, यहाँ से देवनार भेज रहे हैं, ये सब विनाश मॉडल है सबका, मुंबई का है, और इसलिए सब मुंबई का एक साथ आके इसके खिलाफ लड़ेंगे और हदानी को यहाँ से भगा देंगे। वही कहा कि पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो प्रोटेक्ट करके रखना जरूरी है, और उसी जमीन पे उनका नजर पड़ी है। मिठागर की आप जमीन देख लो, डंपिंग ग्राउंड की जमीन देख लो, ये सब जमीन है वो नॉन डेवलपिंग जोन के अंडर आती है, और वो नॉन डेवलपिंग जोन अदानी जी ने पूरा काबिज कर लिया है, उस पर पूरी उनकी नज़र है। उसके साथ साथ जो कोळीवाड़ा की भी जमीन है उन पर पूरा उनका नज़र आया है, तो उनको पूरी मुंबई पूरा सब उनको काबिज करना है। और ये जो सरकार बनाई है, शिंदे सरकार बनाई है और NDA सरकार बनाई है, उनके लिए ही बनी है, क्योंकि वो पूरा जो टेंडर है उनको दे सके, सब जो पूरा मुंबई है उनको दे सके, इसलिए ये सब साजिश चल रही है, षड्यंत्र है हमारे मुंबई के खिलाफ है। तो सब मुंबई कर वालों ने एक साथ आना चाहिए और इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। ये सिर्फ धारावी का मसला नहीं है, ये पूरे मुंबई का मसला है। मैम, जैसे कि आम पब्लिक होती है, जब ऐसी ज़मीनों पर अगर वो घर बसाना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, लेकिन ऐसे में अडानी को इस तरीके की ज़मीन लेना क्या कहेंगे, क्या है? तो वही जो सर्वसामान्य नागरिक जब ये ऐसे ज़मीन पे जाते हैं तो वो उनके लिए बहुत बड़े कानून होते हैं, लोग उनके यहाँ आके उन पर जल्दी से कार्रवाई करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा मुंबई की ज़मीन भी उनको रेडी रेकनर, हम कभी घर लेने जाएंगे तो हमको रेडी रेकनर का रेट देना पड़ता है, उससे कभी कभी ज़्यादा ही देना पड़ता है, लेकिन उनके रेडी रेकनर रेट से उनको 10% और 25% इतने सस्ते दाम में दे रहे हैं, यानी 1 लाख की ज़मीन होगी तो सिर्फ 10,000 या 25,000 में दे रहे हैं। यही समझ में आ रहा है कि लाड़की मित्र योजना कैसे काम कर रही है, और लोगों का यहाँ कुछ भी फायदा नहीं चल रहा है। ओनली फायदा है तो वो अदानी का फायदा है, और अदानी का विकास सिर्फ देखा जा रहा है, मोदानी का विकास यहाँ चल रहा है और वही ये काम कर रहे हैं। क्या जब आपकी यहाँ हम अपना जो चाहिए वैसे GR निकालेंगे, क्योंकि उन्होंने 4 अक्टूबर 2024 को नया GR निकाला है, और पूरा जो बाहर जो जमीन है वहाँ पे भाड़े तत्व पे घर देने का उन्होंने अभी 2 अक्टूबर को जाहिर किया है, जबकि जमीन पहले ही ले चुके हैं। तो हमारा सरकार आएगा तो वो GR रद्द किया जाएगा, और हमारे लोगों को यहाँ ही इन सेतु प्रोजेक्ट डेवलपमेंट है, ये यानी जहाँ है वहाँ ही डेवलप करना है, तो यहाँ डेवलप करने का हम उनको पूरा ये करेंगे, और यहाँ ही उनको घर और सब जो है दिया जाएगा।